Hello everyone, welcome to today's class. We will revise ecology and environment today's class with the help of some MCQs. Okay, so let's move to the first question. Okay, so the first question says urbanization and industrialization is harmful for, theek hai? So pehle you need to understand what is urbanization. Okay, so urbanization ka matlab hota hai जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंड यानी जो ज़मीन होती है उसके जो नेचुरल फॉर्म में होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी रूरल एरियाज होते हैं गांव में, उनमें आप लैंड जो है वो फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस का आप ज़्यादातर देखने को मिलेगा हमें. जब हम उसी लैंड को ट्रांसफॉर्म करते हैं, वी ट्रांसफॉर्म द सेम लैंड फॉर रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस. ठीक है, इसका मतलब जो लैंड अपनी नेचुरल फॉर्म, फॉर एग्जांपल जो खासतौर पे एग्रीकल्चरल लैंड था, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड मींस जिसमें एक ऐसा लैंड जिसमें हम फार्मिंग कर सकते हैं, जिसमें हम प्लांट्स को उगा सकते हैं, जिसमें हम एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग के लिए एरियाज रख सकते हैं. जब हम इसी एग्रीकल्चरल लैंड को या फॉर एग्जांपल लैंड इन जनरल हम इसे रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल मींस रहने के लिए, कमर्शियल मींस फॉर क्रिएटिंग बिजनेस स्पेसेस या फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, जब हम इस लैंड को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो दैट इज़ व्हाट अर्बनाइजेशन मींस. इंडस्ट्रियलाइजेशन यू मीन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन वी मीन सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज. ओके, इट मीन्स कि ये जो दोनों चीज़ें हम कर रहे हैं, एक तो नंबर वन अर्बनाइजेशन एंड नंबर सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बोथ ऑफ दीज आर हार्मफुल. ठीक है, क्यों ये हार्मफुल है? नंबर वन, एक तो जो बैलेंस्ड डेवलपमेंट है उसके लिए ये उस चीज़ को बिगाड़ रहा है. जो नेचर में बैलेंस था लैंड का, यानी जो प्रपोर्शन ऑफ लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर था और जो लोगों की जो फूड डिमांड्स हैं, फूड नीड्स हैं, उनको जो सफिशेंट था उनके लिए, वो लैंड जो हम कन्वर्ट करके उस लैंड का जो प्रपोर्शन हम जो है वो हम ख़त्म कर रहे हैं. इसका मतलब जो लैंड यानी जो ह्यूमन पॉपुलेशन या कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी लिविंग स्पीशीज का जो पॉपुलेशन और जो लैंड, ये जो बैलेंस था दोनों के बीच में, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से हमने ये बैलेंस जो है बिगाड़ दिया. नंबर वन. नंबर सेकेंड, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. अर्बनाइजेशन से जब हमने एग्रीकल्चर यानी हमने क्या किया, डिफॉरेस्ट्रेशन किया या फॉर एग्जाम्पल डीप्लांटेशन किया, ठीक है, हमारे जो पेड़ पौधे थे, ट्रीज थे, विच वेर वेरी यूजफुल फॉर एनवायरनमेंट, जिनका एक बैलेंस था, जो ऑक्सीजन सप्लाई करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेते थे, तो एक बैलेंस जो हमने रखा था नेचर में, जो बैलेंस एग्जिस्ट करता था, वो बैलेंस हम जो है उसको हम डिस्टर्ब करते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी क्या है कि जब हार्मफुल रिलीज ऑफ केमिकल्स एनवायरनमेंट में हो जाता है, तो दोनों चीज़ें जो है एनवायरनमेंट एज वेल एज इकोलॉजी, यानी कि लिविंग स्पीशीज़ का जो अपने एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप था या जो लिविंग्स के बीच में आपस में इंट्रैक्शन था, वो ख़त्म हो गया. ठीक है, थर्ड इज़ बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन, यानी ये चीज़ भी हम बिगाड़ रहे हैं. जो नेचर में जो बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस थी, वो चीज़ भी हम बिगाड़ रहे हैं इस चीज़ से, क्योंकि इससे लॉस ऑफ हैबिटेट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल जो बर्ड्स फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स पर रहते थे, नेस्ट्स बनाते थे, क्योंकि उनका घर, उनका आशियाना जो है वही प्लांट्स थे, और जब हम अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में जब हमने वही पेड़ पौधे काट दिए, तो इसका मतलब जो बर्ड्स थे, जो जिनका जिनके लिए वो पेड़ पौधे घर था, तो उन स्पीशीज़ के लिए जो है लॉस ऑफ हैबिटेट हो जाता है. इसी तरह फॉर एग्जांपल जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, जब हमने उन्हें पोल्यूट किया ड्यू टू ओवर एक्सप्लाइटेशन, ठीक है, ड्यू टू ओवर एक्सप्लाइटेशन आर यू कैन से ओवर यूज़ ऑफ सच नेचुरल रिसोर्सेज, तो जो बाकी लिविंग स्पीशीज़ हैं उनका लॉस ऑफ हैबिटेट हो जाता है. इसी वजह से ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सारी चीज़ों का, ए बी सी, इन सभी चीज़ों का जो बैलेंस है वो बिगाड़ देती है, इसलिए इन सब चीज़ों के लिए हार्मफुल है. इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के रिलेटेड इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हम ऑप्शन डी अगर देखें, इट इज़ यूज़ ऑफ पेपर बैग्स. पेपर बैग्स का हम इसलिए यूज़ रिकमेंड करते हैं क्योंकि पेपर जो होता है वो डिकम्पोजेबल होता है, ठीक है, वो चीज़ वापस ज़मीन में रिसाइकिल हो जाएगी. सॉरी,
सी वाई सी, ठीक है, तो वो चीज़ वापस जमी, इसीलिए हम पॉलीथीन्स के बजाय वी रिकमेंड द यूज़ ऑफ पेपर बैग्स, ठीक है. नंबर सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनिंग, यू नो एयर कंडीशनिंग जो है इसमें क्या होता है कि इसमें आप काफ़ी ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू कंसिडर यूज़ ऑफ एयर कंडीशनर्स, ठीक है, एयर कंडीशनर्स जो हैं दे मेक यूज़ ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा कंजप्शन करता है, जिसकी वजह से आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है, तो वो जो है उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एनवायरमेंट. नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल बी, दैट इज़ पॉवर्टी एलिवेशन. पॉवर्टी एलिवेशन और एनवायरमेंट का जो है कोई डायरेक्ट एज सच रिलेशन नहीं है. एंड ऑप्शन ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल जो, या फॉर एग्जांपल हम हर चीज़ में आज जो है सस्टेनेबिलिटी का अप्रोच रखना चाहते हैं. बाय सस्टेनेबल व्हाट डू वी मीन बाय सस्टेनेबल? सस्टेनेबल अप्रोच और सस्टेनेबिलिटी मीन्स कि जो हमारे पास प्रेजेंट डे में मौजूद रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ हम इस तरह से करें कि कमिंग जनरेशन्स जो हैं, जो कमिंग जनरेशन्स हैं उनके लिए भी हम कुछ बचा के रखें. यानी कि वी शुड नॉट मेक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर, ठीक है. सो अपना प्रेजेंट कंफर्टेबल बनाने के लिए वी शुड नॉट मेक यू, यू नो वी शुड नॉट डू इट एट द कॉस्ट ऑफ अर फ्यूचर. दैट इज़ व्हाट सस्टेनेबिलिटी मीन्स. ओके, दैट इज़ वी कैन सी सस्टेनेबिलिटी जो है इसका मतलब होता है कि जो हमारी प्रेजेंट डे नीड्स हैं वी शुड मीट द आवर प्रेजेंट डे नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब है कि अगर हमारे पास वाटर है वो एक रिसोर्स है, राइट. वाटर हमें भी चाहिए और वाटर कमिंग जनरेशन को भी चाहिए. इसका मतलब हमें वाटर का इस्तेमाल इस तरह से करना चाहिए कि जब तक हम हैं तब तक हम वाटर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो कमिंग फ्यूचर जनरेशन हैं यानी उनका फ्यूचर हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट सस्टेनेबल मीन्स. सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन बी पॉवर्टी एलिवेशन इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. रेस्ट ए सी एंड डी दीज आर ऑल रिलेवेंट टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ मैटर ऑफ इंटर जनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज़ ऑफ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, अभी भी हमने डिस्कस किया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या फॉर एग्जाम्पल जो सस्टेनेबल अप्रोच हम रखना चाहते हैं, इसका मतलब है कि जो हमारी प्रेजेंट डे नीड्स हैं उनको फुलफिल करना, एग्जैक्टली, ठीक है. फुलफिलिंग आवर प्रेजेंट डे नीड्स, नीड्स तो हमें आज की फुलफ़िल करनी है. फॉर एग्जांपल जो हमारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं, वाटर है, एयर है, लैंड है, ऑल दीज काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनका हमें यूज़ तो करना, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर. यानी जो हमारे बाद की जनरेशन्स आएंगे, जो हमारे बाद के लोग आएंगे उनके लिए भी हमें बचा के रखना है. दैट मीन्स वी हैव टू मेक ए जुडिशियस यूज ऑफ आवर रिसोर्सेस, ठीक है. फॉर एग्जांपल आई विल से अगर हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई रिसोर्स है, ठीक है, रिसोर्स वन फॉर एग्जाम्पल हमारा वाटर है, ठीक है, रिसोर्स टू फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लैंड है, रिसोर्स थ्री फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एयर है. तो इसका मतलब वी हैव टू, हमें कहाँ कहीं यहाँ लाई करना है, ठीक है. दैट मीन्स हमें इस रिसोर्स का थोड़ा यूज़ करना है, इस रिसोर्स का थोड़ा यूज़ करना है, इस रिसोर्स का थोड़ा यूज़ करना है, रादर इंस्टेड कि हम पूरा वाटर, पूरा रिसोर्स यूज़ करें, पूरा रिसोर्स टू यूज़ करें, पूरा रिसोर्स थ्री यूज़ करें. दिस इज़ नॉट व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, बिकॉज वी हैव टू प्रिजर्व द रिसोर्सेज व्हाइल यूजिंग देम. रिसोर्सेज को यूज़ करते टाइम हमें आगे आने वाले टाइम के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखना है. एंड ये रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जो नेचुरल नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं. क्योंकि नेचर में रिसोर्सेज जो बनते हैं वापस बनते हैं, जो इनका जो रिप्लिशमेंट होता है, हाँ यू कैन से जो ये नए से बनते हैं
वो बहुत स्लो होता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास नेचर में जो है कोल रिजर्वायर्स हैं, ठीक है, जो हमारे कोल रिजर्वायर्स हैं दे आर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, वहाँ से हम एनर्जी जो है मतलब हासिल करते हैं. लेकिन नया कोल बनने के लिए इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म न्यू कोल. दैट मीन्स जब तक हमारी नई जनरेशन आ जाएंगी उनके लिए हमें वो कोल जो है सस्टेनेबली यूज़ करना है. ये नहीं कि हमें सारा यूज़ करना आने वाले टाइम के लिए, लोगों के लिए कुछ ना बचे. दैट्स व्हाट सस्टेनेबल मीन्स. सो वी हैव टू मेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट द फॉर द सेक यू नो ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज, ताकि जो इंटर जनरेशनल यानी आने वाला टाइम जो है उन सब के लिए भी कुछ ना कुछ बचा के रहे हमारे पास. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज वैनिश फ्रॉम अर्थ द गैस विच विल डिक्रीजेज. यू नो प्लांट्स जो हैं ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इन दो गैसेस का खास तौर पे जो बैलेंस इस एनवायरनमेंट में या इस अर्थ पे है, प्लांट्स एंड ट्रीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं. लेकिन ऑक्सीजन कार्बन डाई अब आप बोलोगे यहाँ पे दोनों चीज़ें, इसका मतलब अगर प्लांट्स एंड ट्रीज जो हैं वो हमारी अर्थ से वैनिश हो जाते हैं तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ऑक्सीजन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स का यू नो दे मेक यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो वापस वो छोड़ देते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स को इनहेल करने के लिए. तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्योंकि आप समझो काइंड ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज जो हैं दे आर द फैक्ट्रीज ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन. तो अगर ये खत्म हो जाते हैं तो ऑक्सीजन भी हमारी अर्थ से जो है वैनिश हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी इज, अगर हमें पहले हमें देखना है थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है. बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स रिचनेस, ओके, एबंडेंस, वैरायटी, ठीक है. तो हमारे पास जो लाइफ जो है, द फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जो हमारी लाइफ फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनमें जो रिचनेस एबंडेंस और वैरायटी एग्जिस्ट करती है इस नेचर में, दैट इज़ व्हाट बायोडाइवर्सिटी मीन्स इन सिंपल वर्ड्स. फॉर अ लेमैन बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस एबंडेंस एंड वैरायटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन द अमंगस द लाइफ फॉर्म्स, ठीक है. The richness, abundance, variety that exists among us the life forms present on this earth, that's what biodiversity means. But you see, hum is biodiversity mein recently, in recent years, we have seen a decline or a decrease in this biodiversity. And what is the main reason for this? So if we look into the options A, B, C, D, habitat pollution, introduction of exotic species, exotic you will say these are the kind of species like which are not of this of a particular you would say ecology or an ecological niche, ठीक है. For example जो for example अगर हम कोई environment लेते हैं या कोई ecological sphere space लेते हैं किसी का, या for example जिसे हम habitat कहते हैं, for example in जम्मू and कश्मीर snow leopards are found, ठीक है, in लद्दाख. आपको पता है लद्दाख में जो हेमिस नेशनल पार्क है snow leopards जो है वहाँ पर पाए जाते हैं. नाउ इफ़ यू इंट्रोड्यूस सम अदर स्पीशी ऑफ लेपर्ड्स इन टू द नेचुरल हैबिटेट ऑफ दीज स्नो लेपर्ड्स, दैट इज़ वॉट यू मीन बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जॉटिक स्पीशीज, राइट. एंड द थर्ड ऑप्शन इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड डी इज नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. इफ़ यू लुक इन टू द ऑप्शन यू विल सी दैट ऑल दीज ऑप्शन जो हैं दे आर टू अ लार्जर और अ स्मॉलर एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी. ये जो डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी हो रहा है दुनिया में, इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया, इट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, इट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब. बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो बिल्कुल डिक्लाइन हो रही हैं, कुछ तो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो रही है, मतलब बिल्कुल एज इफ दे वेर नेवर एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लैनेट. ओके, अगर हम देखें तो ये सारे ऑप्शन जो हैं बिल्कुल सही है. हैबिटेट पोल्यूशन, हम उन पोल्यूशन मतलब जैन फॉर एग्जांपल वाटर पोल्यूशन हम करते हैं, लेकिन वाटर जो है दैट इज़ द हैबिटेट ऑफ मेनी एक्वाटिक स्पीशीज़. इट मींस अगर हम पानी पोल्यूट कर रहे हैं तो हम बहुत सारी एक्वाटिक स्पीशीज़ का हैबिटेट पोल्यूट कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जॉटिक स्पीशीज इज इक्वली द मेन वन ऑफ द रीजन्स. ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज, बट अगर हम ऑप्शन डी देखें, ये जो अभी तक हमने ए बी सी जो ऑप्शन हैं ये सारे ऑप्शन अगर हम देखें, इनका जो कंक्लूजन है यही, the conclusion of all these options is the loss of natural habitat of
लिविंग स्पीशीज़, जो लिविंग स्पीशीज़ का जो नेचुरल हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है, उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है. इसीलिए दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि ये सारी चीज़ें दीज ऑल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ लिविंग स्पीशीज़ विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज और डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस द ग्लोब. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, व्हाट डज EPA स्टैंड फॉर? EPA जो है इट स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी. ठीक है, सो ये बहुत सारे किस्म के एजेंसीज होते हैं जो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है फॉर्मुलेट किए जाते हैं फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड फॉर एग्जांपल फॉर स्पीशीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एज वेल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बायोडाइवर्सिटी हैज़ मैक्सिमम डेंजर फ्रॉम? बायोडाइवर्सिटी जो है इसको मतलब द रिचनेस अबंडेंस ऑफ लिविंग स्पीशीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. और इसी बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ से है? नंबर वन, वाटर पोल्यूशन से, बिल्कुल है. क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल है. इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, बिल्कुल है. ठीक है, एंड ए इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड वेजिटेशन. एज आई सेड, दिस इज़ द मेजर कॉज ऑफ यू नो विच ब्रिंग्स बायोडाइवर्सिटी अंडर थ्रेट. ठीक है, दैट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड वेजिटेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सी, थोड़ा सा इसको दे, हैबिटेट मीन्स मतलब उनका जो घर है उसमें लॉस ऑफ होम्स होते हैं. लॉस ऑफ होम या कैन से शेल्टर. अगर वेजिटेशन भी डिस्ट्रक्ट किए दैट मीन्स लॉस ऑफ फूड. तो यही दो चीज़ें हैं मेन जिंदा रहने के लिए हर लिविंग स्पीशीज़ को. ठीक है, एक तो घर चाहिए, एक तो शेल्टर चाहिए जहाँ पे वो सेफली रह सके, यानी जहाँ पे प्रेडेटर्स का अटैक ना रहे. ठीक है, वो दूसरा लॉस ऑफ फूड, क्योंकि फूड सप्लाई, एक रेगुलर फूड सप्लाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदा रहने के लिए. अगर दोनों चीज़ें नहीं रहती या दोनों में से एक चीज़ भी ख़राब हो जाती, इम्बैलेंस हो जाता है, इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी जो है इट कम्स अंडर थ्रेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? इंडिया में जो है हॉट स्पॉट मतलब मीन्स हॉट स्पॉट मीन्स विच इज जो रिलेटिवली रिच और एबंडेंट हो इन लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग स्पीशीज. ठीक है, एक ऐसा ज्योग्राफिकल यू कैन से यूनिट. ठीक है, जो बाकी एरियाज़ के कंपैरिजन में रिलेटिवली रिच हो और या एबंडेंट हो, लार्ज वेराइटी, जहाँ पे ज़्यादा जो लिविंग स्पीशीज़ है उनमें ज़्यादा वैरायटी दिखने को मिले हमें. ठीक है, उसे हम हॉट स्पॉट कहेंगे और बायोडाइवर्सिटी. और इंडिया में दिस इज़ अमंगस्ट दीज वेस्टर्न गार्ड्स इज़ द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नाउ यहाँ पे एक चीज़ हम थोड़ा देख सकते हैं कि सिंस ये ज्योग्राफिकल यूनिट है, ठीक है, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे बहुत फेवरेबल होंगे, तभी तो बहुत सारी ये जो लिविंग स्पीशीज़ हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, को एग्जिस्ट कर पाती हैं. फेवरेबल फॉर को एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग स्पीशीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? किस दिन हम बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 22 मई. 22 मई जो है एवरी ईयर बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रामसर साइट अंडर रामसर कन्वेंशन? ठीक है, पहले व्हाट इज रामसर? अगर हम मतलब एक मुख्तसर से प्रिसाइजली कहें, रामसर कन्वेंशन जो है ये हम जो वेटलैंड्स होते हैं उनके कंजर्वेशन के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है. और जिन वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन के अंडर एक रिकॉग्निशन मिलती है दे आर कॉल्ड रामसर साइट्स. ठीक है, एंड अमंगस दीज ऑप्शन डी विच इज बोझ वेटलैंड. ठीक है, दिस इज द रामसर साइट, इनमें से ये वाला है. नाउ यू हैव टू फाइंड वेयर इज भोज वेटलैंड. इट्स इन भोपाल, मध्य प्रदेश. ठीक है, यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल, रामसर साइट्स ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन से रामसर साइट्स हैं, ये एक सवाल बन सकता है.
रामसर साइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है, क्या हैं कोई, ये वाले कौन से हैं, सो दिस सॉर्ट ऑफ कवर्स योर रामसर साइट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, वॉट आर ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज आर दोज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. एंड यू नो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. ऑलराइट, एंड यू नो द गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैसेज और ग्लोबल वार्मिंग, दे आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, वेपर. बट ऑक्सीजन जो है इट इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग जो है इट इज़ अ, यू कैन से, एन इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किस वजह से होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की वजह से. सो व्हेन देयर इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसकी वजह से जो अर्थ का जो मीन ग्लोबल मीन टेम्परेचर है वो राइज होता है, दैट्स व्हाट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. ओके, ग्लोबल वार्मिंग, एंड इनमें से ऑप्शन सी इज द गैस विच इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. रेस्ट, मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दीज आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल टू लाइफ ऑन अर्थ. ओके, सी यहाँ पे क्वेश्चन है लाइफ ऑन अर्थ. अब दिस लाइफ ऑन अर्थ जो है इट एग्जिस्ट्स, अगर हम ब्रॉडली कहें, इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स. ठीक है, दो हमारी मेजर किंगडम्स हैं जिनमें हमारी लाइफ जो है, लाइफ ऑन अर्थ जो है वो एग्जिस्ट करती है, इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. एनिमल्स जो है वो अपना फूड जो है वो अपने फूड को प्लांट्स से मतलब हासिल करते हैं, मेजरली हम कहेंगे. अब ये जो प्लांट्स हैं ये अपना खाना जो है खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना इट्स अ मस्ट. नाउ जब यही एनिमल जो है वापस एक्सहेल करते हैं रेस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, एंड जो बाकी यू वुड से रिसोर्सेज हैं जो हम अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज का जो बनना है वहाँ से, या फॉर एग्जांपल जो हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होता है. तो एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करेंगे और वही फूड फिर बाकी एनिमल्स को सप्लाई हो जाएगा इन अ फूड चेन मैनर. ठीक है, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अननेचुरल एंड अनवांटेड यूज़ ऑफ फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, उससे हो जाता है, तो हमारा इससे जो है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा रहता है एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, इसीलिए जो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लिए उस टाइम पे हमारी अर्थ के लिए और फॉर एग्जांपल लाइफ ऑन अर्थ के लिए खतरा हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से या ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से या रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से देर इज़ ओजोन डिप्लीशन हो जाता है फिर. ठीक है, तो इसलिए इस ऑप्शन क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन कैन कॉज, यू नो हमने कहा कि जो सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होती हैं, क्योंकि ओजोन डिप्लीशन जब हो जाता है नेचर में, जो ओजोन गैस है जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है उसमें एक प्रॉपर्टी थी फिल्टर की प्रॉपर्टी, यानी वो सन से आने वाली यूवी अल्ट्रावायलेट ए अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस जो हैं इनको ज़मीन तक, इनका जो प्रोपोर्शन था उसको काफ़ी कम करता था, लेकिन ओजोन डिप्लीशन यानी पोल्यूशन की वजह से जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है उस वजह से ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज सन से डायरेक्टली जो अर्थ पे है आ जाती हैं, बिकॉज ऑफ विच जो है स्किन डर्मल कैंसर, यानी स्किन कैंसर जो है, डर्मल कैंसर मीन्स स्किन कैंसर, इसका काफ़ी ज़्यादा यू नो रिपोर्टेड केसेस हमें मिले that harmful UV rays जो हैं they have been one of the potent causes of skin cancer. So इस question का जो correct answer जाएगा that will be dermal cancer. Next question,
वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, क्योंकि हमें पता चला है कि ओजोन जो है, इम्पॉर्टेंस ऑफ ओजोन तो हमें पता चला है, ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ ओजोन, इसलिए हम इन इम्पॉर्टेंसेस को या अवेयरनेस रेज करने के लिए ऐसे डेज मनाते हैं. एंड वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर एवरी ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीमेंट इन द ओजोन लेयर. इनमें से है तो ये इन सबका कुछ ना कुछ रेशियो, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जिन्हें हम कॉमनली CFCs कहते हैं, दे आर द मेजर कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट इज वॉज बेसिकली अगेनस्ट, ठीक है, चिपको जो है, एक्चुअली द वर्ड चिपको मीन्स टू हग, सो इट वॉज अ मूवमेंट दैट वॉज बेसिकली अगेनस्ट डिफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है, सो इट हैज़ बीन अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट. ओके, इट हैज़ बीन अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय, यू शुड ऑल्सो नो द नेम ऑफ द पर्सन, सुंदरलाल बहुगाना, ठीक है. तो वो एक इको, वो क्या थे, वो एक इको एक्टिविस्ट थे, यानी एक एनवायरमेंट इकोलॉजी एक्टिविस्ट थे, जब एंड इट हैपन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड की स्टेट में ये स्टार्ट हुआ था, और वहाँ पे जो है डिफॉरेस्ट्रेशन के अगेनस्ट ये हुआ था, क्योंकि वो फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहते थे. एंड व्हाट दे डिड, दे जस्ट स्टार्टेड हगिंग ट्रीज, वहाँ के जो लोग थे वो एक काइंड ऑफ प्रोटेस्ट करने लगे बाय हगिंग ट्रीज, और उन्होंने इस तरह से जो है इस डिफॉरेस्ट्रेशन को, या फॉर एग्जाम्पल डिफॉरेस्ट्रेशन को रोक दिया, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनमें से वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है. नाउ फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज से ही हमें पता चलता है. दीज आर द प्लेसेस, ये जगह भी हो सकती हैं, या फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनका कुछ कल्चरल वैल्यूज़ होते हैं एसोसिएटेड विद देम, ठीक है, इनके साथ कुछ कल्चरल वैल्यूज़ होते हैं, और एक दूर से फ्यूचर सिग्निफिकेंस रहता है इनका, इसीलिए हम इन्हें सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, और इनका यू नो काइंड ऑफ यू वुड से इन ऑर्डर जस्ट टू मेंटेन देयर यू नो टू मेंटेन देयर फ्यूचर सिग्निफिकेंस को मेंटेन करने के लिए वी जस्ट मेक देम कॉल एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. एंड अमंग दीज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये, एंड इट इज़ ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आई वुड सजेस्ट यू शुड ऑल्सो नो अबाउट दीज, कॉर्बेट नेशनल पार्क, वेयर इज़ दिस, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका पूरा नाम, राजा जी नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट, वेयर आर दीज, व्हाट आर दीज, ठीक है, यू शुड ऑल्सो नो अबाउट दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन इन इंडिया, इनमें से डिफॉरेस्ट्रेशन जो इंडिया में हमने करी है आज तक या करते आ रहे हैं, इनमें से कौन सा उसका इफेक्ट नहीं है, ठीक है. सॉइल इरोजन बिल्कुल होता है डिफॉरेस्ट्रेशन का, सॉइल इरोजन जो है उसका मेन कॉज होता है डिफॉरेस्ट्रेशन, ये भी है. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी है, क्योंकि डिफॉरेस्ट्रेशन से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है. ड्राइंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन हिमालय, ठीक है, ये भी है. एंड अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन में क्या है कि यू मेक यूज ऑफ यू नो एज आई सेड कि आप डिस्क्रीट ह्यूमन सेटलमेंट्स करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओके, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज टू प्रिजर्व, एज आई सेड कि देर हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, एंड टू प्रिजर्व एंड यू कैन से कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे देर हैज़ बीन सेटिंग अप ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं. अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स, वी शुड नो दीज, ठीक है. बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं, एज यू नो कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स में या देर हैज़ बीन वेरियस एडवांसमेंट्स, ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इसी तरह सोशल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें, इनका हम
डेवलपमेंट का हम कंटिन्यूएशन रखते हैं, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, सोशल डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन साथ साथ में प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर भी करते हैं. ठीक है, सो वी हैव अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग नेचर इन इंटीग्रेशन विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करना है, सोशल डेवलपमेंट हमें करना है, लेकिन प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर भी हमें करना है. ठीक है, तो इसीलिए जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, वॉट आर बायोस्फीयर रिजर्व, देयरफॉर ये स्पेशल एनवायरमेंट होते हैं, स्पेशल एनवायरमेंट्स होते हैं जहाँ पे मैन और नेचर को एग्जिस्ट करे पीसफुली. यानी टू हमें अवॉइड करना है कॉन्फ्लिक्ट इंसान और नेचर के दरमियान. अब इंसान क्यों है, फॉर एग्जांपल हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, हमें सोशल डेवलपमेंट चाहिए, वो सारी डेवलपमेंट्स इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन नेचर कहता है आप करो वो डेवलपमेंट्स, लेकिन मुझे भी साथ में प्रिजर्व करो. ठीक है, दैट मीन्स आपको जो बायोडाइवर्सिटी है उसे प्रिजर्व करना है. ठीक है, सो इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इट विल बी ऑप्शन डी, जेनेटिक डाइवर्सिटी. जो नेचर है, नेचर में आपको सर तरह की डाइवर्सिटीज आती हैं. ठीक है, वो सारी डाइवर्सिटीज हमें प्रिजर्व करनी है. राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. सो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, ये मतलब इनमें मिनिमल ये होती है, डिस्टर्बेंसेज होती हैं, दे आर यू नो सच डिस्टर्बेंसेज आर अवॉइडेड. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. तो ये प्रिवेंट करते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को. ठीक है, ये चीज़ें होती हैं. और नव यहाँ पे सवाल उठता है कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसे फॉर एग्जांपल ये बनते हैं. एक और चीज़ आई जस्ट गॉट टू रिमेंबर, ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी हम प्रिजर्व करना चाहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के, जो फॉर एग्जांपल रिसर्च हम करते हैं, रिसर्च करते हैं उन लोगों के लिए, जो रिसर्चर्स के लिए, उनके लिए ये बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं ये बनते हैं हॉटस्पॉट्स. ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स ये रिसर्च करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, यू शुड नो ऑल ऑफ देम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू.